वेलकम टू माई चैनल। आज हम आपको राजमा बनाना सिखाएंगे। उसे तीन बार वॉश कर लिए हैं। अब हम इस राजमा और आलू को बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम एक कुकर में हम राजमा डालेंगे। राजमा डाल रहे हैं कुकर में। अब इसमें हम आलू डालेंगे। हमने आलू भी डाल दिए हैं। अब हम इसमें एक जग पानी डालेंगे। हमने एक जग पानी डाल दिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। एक चम्मच हम नमक डालेंगे। अब हम इसे बंद करके गैस पे रख देंगे। फिर रख दिया है हाई फ्लेम पे करके। अब 20 से 30 मिनट बॉईल करेंगे। राजमा अच्छे से उबल गए हैं, देखिए ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए हमने लिया है एक प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर का हमने पेस्ट बनाया है। जी हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें दो तेज पत्ते डालेंगे और इसमें हम बारीक अदरक डालेंगे जो हमने काटा था। अब हम इसे 2 मिनट ब्राउन करेंगे। अब ये हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे और लहसुन को भी ब्राउन कर लेंगे। देखिए ये लहसुन भी हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम 5 मिनट भूनेंगे अच्छे से। प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ये हमने हरी मिर्च डाल दी है। अब 2 मिनट हरी मिर्च को भी पकाएंगे। ये हमारी हरी मिर्च पक गई है थोड़ी। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच तीखी मिर्च और 1 चुटकी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हमने इसमें पहले नमक डाला था जब हम बॉईल कर रहे थे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आप भी स्वाद अनुसार डालें। इस मसाले को हम कम से कम 5 मिनट पकाएंगे अच्छे से। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू जो हमने बॉईल किए थे उसे हमने मैश कर लिए हैं। आलू को अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें ऐड कर ले। इस मसाले को 5 मिनट पका ले। था वो सूख गया है। अब हम इसमें राजमा डालेंगे इस तरह से।
हमने राजमा डाल दिया है इसमें, देखिए। अब हम इसे 5 से 10 मिनट अच्छे से पका लेंगे ढककर। देखिए हमारी सब्जी पक गई है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तैयार हो गई है। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल की घंटी ज़रूर दबाएं। चावल के साथ सर्व करेंगे। ये हमने राजमा को चावल के साथ सर्व किया है।